Hey guys, this is Amit Pradhan. Welcome back to my channel. So today I'm here at this regulated market. मैं आया था थोड़ा पपीता लोड करवाने, कुछ 1000 केजी है, पैक हो रहा है यहाँ पे. और इस गाड़ी से मुझे इसको भेजना है, और क्योंकि आज थोड़ा काम है तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा उतना खास. और रेगुलेटेड मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ हमेशा ही ऐसा कीचड़ कीचड़ लगा रहता है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे सामान सब होते रहता है, लोड होता है, फिर गद्दी है तो थोड़ा ऐसे ही रहता है. दिन का शुरुआत ऐसे ही हो रहा है. हम लोग आए हैं यहाँ पे अजीत बेहरा दुकान में, और अपना छोटू मिस्टर अभिजीत हेयर कट करवा रहे हैं. और अभिजीत भाई आज हेयर कट करवाने आए थे, जो हैंडसम लग रहा है. अभिजीत से आए भाई, इस साइड का दिखाओ थोड़ा. ये देखिए हेयर कट. और ये हमारा अजीत भैया हेयर स्टाइलिस्ट. ठीक है अजीत भैया, कैसे हैं? ठीक है. ये देखिए इनका हेयर, देखिए ये देखिए. ओके गाइस, मिलते हैं आगे ब्लॉग पे. जैसा कि मुझे आज काम है, रेगुलेटेड मार्केट पे जाना है, वहाँ जाके मुझे पपीता लोड करवाना है. और नारस तो मैं निकल चुका हूँ, अभिजीत आज हेयर कट करवा रहा हूँ. अभिषेक उसके साथ है, मैं भाई जी के साथ निकला हूँ. मुझे जहाँ से मुझे जाना है रेगुलेटेड मार्केट, ये उसी रास्ते का वीडियो फुटेज. यहाँ पे जैसे ही ये काम हो जाता है, उसके बाद मैं चलूँगा वापस अभिजीत और अभिषेक से मिलने. शाम तो हो ही जाएगा, दोपहर के बाद ही मैं निकल पाऊँगा यहाँ से, क्योंकि कुछ सामान पैक करने में उन लोगों को भी समय लग जाएगा, तो पहुँचते पहुँचते कुछ लेट हो जाएगा. जाके उनसे मिलता हूँ, फिर अभी थोड़ा काम कर लेते हैं. ये हम पहुंच गए बिल्कुल रेगुलेटर मार्केट के बाहर. यहाँ से एंट्री है रेगुलेटर मार्केट का, दो अलग गेट है और ये एंट्री वाला गेट है. ये राइट साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ये पहले प्रधान नगर थाना था, वो आपका नॉर्थ बंगाल के सामने था, मेडिकल के सामने. अब वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है रेगुलेटर मार्केट के बिल्कुल बगल में. मेट्रोपॉलिटन पुलिस का गाड़ी सब दिख रहा होगा आपको राइट साइड में. और यही है हम लोग का रेगुलेटर मार्केट का एंट्री. यहाँ से अंदर जाना है, और जैसा कि रेगुलेटर मार्केट आप सबको पता होगा कि यहाँ पे सब कुछ फल सब्जी वगैरह सब कुछ, मछली वगैरह हो गया, ये सब आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलता है, इसे मंडी कहते हैं. तो यहाँ पे जाके अगर आपको कुछ बल्क में लेना है सामान, तो यहाँ से आप ले सकते हैं. सिलीगुड़ी रेगुलेटर मार्केट सबसे चीप रेट मिल जाएगा आपको यहाँ पर. तो मुझे लेना है कुछ 1000 के जी पपीता और अनारस, तो मैं अंदर जा रहा हूँ. दो चार किलो तो यहीं गिरा हुआ. नहीं तो होगा भाई जी, नौ नंबर. बीस पीछे तो नहीं आएगी, यहाँ से तो घुमाना पड़ेगा भैया. नौ नंबर किस साइड है? नौ नंबर फल का, फल का नौ नंबर. ये पपीता है सीधा दाहिना, यहाँ से दाहिना घूमना. तो ये वाला लाइन है क्या? देख के भी लग रहा है यहीं पे है. सात नंबर को बुक किया वो तो आलू प्याज का है. और आगे वाला लाइन में घुसना है क्या?
भैया फल वाला लाइन वो वाला है क्या? नौ नौ नंबर फल वाला। और ये मैं अभी फ्रूट वाले लाइन पे हूँ नंबर नौ, इधर पे पपीता है, बस चल रहा है। देखते हैं कैसे पैकिंग करते हैं ये लोग। एज यू कैन सी पपाया, पपाया के गद्दी पे, और यहाँ पैकिंग का काम चल रहा है। इस गाड़ी में लोड होना है और ये गाड़ी चला जाएगा। सिर्फ पपीता लेना ना और कुछ समय लेना है। ये है रेगुलेटेड मार्केट। द प्लेस यहाँ पे सबसे कम प्राइस में सबसे सस्ता में यहाँ पे ये आपका गद्दी है सिलीगुड़ी में, रेगुलेटेड मार्केट। और मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मुझे थोड़ा पपीता लेना था। काफ़ी वक्त लग रहा है और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लग रहा है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। भैया को मैंने कॉल कर दिया, वो आ रहे होंगे। मैं तो ये देखिए पपीता काम चल रहे हैं यहाँ पे, ये पैकिंग कर रहे हैं। और ये पैकिंग होते ही, ये पैकिंग करने के बाद सामने जो गाड़ी खड़ी है ऊपर नहीं भी लगा ले चाहोगा? नहीं लगा दीजिए ना, मिक्स हो जाएगा, नहीं तो टच हो जाएगा तो फिर। और क्योंकि लेट हो चुका था तो अनारस नहीं मिला। वो लोग का कहना है कि सुबह 6 बजे आके आपको ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको 7-8 बजे के बाद से फिर सब कुछ चला जाता है तो मिलेगा नहीं। इसलिए सिर्फ पपीता को लोड करवा दिया, भैया पहुंच गए। मैं निकल रहा हूं घर, मुझे बहुत भूख लग रही है। अनारस के लिए शायद आज नहीं जा पाएगा, तो जो है पपीता वो आज चला जाएगा। बाकी जो अनारस है वो कल सैटरडे काम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पे सैटरडे का शायद कुछ बंद जैसे करके रखते हैं, तो संडे को जाएगा यहाँ से। और मैं निकल रहा हूँ ये गेट से बाहर, यहाँ से जाके मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं जाके ग्राउंड में मिलूँगा। अभिजीत शायद हेयर कट करा चुका होगा, उससे मिलना, और अभिषेक से भी। ए गाइस, हम आफ्टर हेयर कट हमारे अभिजीत भाई के साथ है। अभिजीत भाई थोड़ा राइट लेफ्ट दोनों साइड से दिखाओ। अगर ये हैंडसम लग रहा है तो कमेंट मत कीजिएगा, और अगर कुछ और कहना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये तुम क्यों मुंह छुपा रहे हो बे? तुम मुंह क्यों छुपा रहे हो? अभी से मुंह छुपा रहा है, इसको देख के हंसी लग रहा है मेरे को। वही तो कैसे 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 अभिजीत? वही तो और अब हम लोग कुछ इधर उधर का रिकॉर्डिंग तो नहीं किया आज, तो ब्लॉग में ऐसा खास कुछ बनाया नहीं। वही तो शाम को देखते निकलते, अगर चाय दुकान तो आपको काकू से मिलाते हैं, फिर काकू से बात करते थोड़ा। और अभिषेक थोड़ा हैंडसम लगने का कोशिश कर कोशिश कहाँ कर रहे हैं।